नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप लोग जब सुनेंगे तो बड़ा दिलचस्प लगेगा और बड़ा मजा आएगा आप लोगों के अंदर। आईपीएल मतलब आईपीएल के इतिहास में केकेआर के खिलाड़ी आंद्रे रसल की बेस्ट 6 इनिंग में लेकर आया हूं। सातवीं आप लोगों को बतानी है। पूरी रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो आप लोगों को बड़ा दिलचस्प लगेगा, क्योंकि ये जो आंकड़े मैं निकाल कर लेकर आया हूं, ये आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। ये वो आंकड़े हैं जब मैदान पर केकेआर के इस खिलाड़ी ने, आंद्रे रसल ने, तूफान मचाया था। रसल द मसल का आपको ताकत देखने को मिली थी। रसल ने जब विपक्षी टीमों को धूल चटाई थी अपनी बल्लेबाजी के दम पर, जब रसल का मैदान पर तूफान आया था, ये उन 6 इनिंग को मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को 6 इनिंग बता देता हूं, उसके बाद में मैं ये बताऊंगा कि पूरे आंकड़े क्या है, पूरे आंकड़े मैं लेकर आया हूं। उसके बाद में सातवीं पारी आपको बतानी है कि केकेआर के इस धुरंधर की सातवीं सबसे बेस्ट पारी आपकी नजर में कौन सी है। उसके बाद में देखेंगे कि आप लोगों की क्या राय है अलग अलग लोगों की। तो सबसे पहली पारी जो है वो है 36 गेंदों पर 66 रन बनाए थे आंद्रे रसल ने, 9 चौके लगाए थे, 2 छक्के लगाए थे पंजाब के खिलाफ 2015 में। केकेआर उस मैच को जीती थी। इससे अंदाजा लगता है कि जब-जब केकेआर के खेल इस खिलाड़ी का बल्ला चला, केकेआर जीती। उसके बाद में दूसरी पारी जो थी वो 24 गेंदों पर 39 रन बनाए थे आंद्रे रसल ने, 1 चौका लगाया था, 4 छक्के लगाए थे आरसीबी के खिलाफ 2016 में। इस मैच को भी केकेआर जीती थी। उसके बाद में तीसरी मैच का अगर जिक्र करें तो तीसरा मैच बड़ा धुरंधर था। यह मैच बड़ा मजेदार था और जिस लोगों ने मैच देखा होगा उनकी नजर में आज भी आंद्रे रसल की वो पारी ताजा होगी, किस तरीके से मैदान पर तूफान मचा दिया था। हालांकि केकेआर इस मैच को जीत गई थी, लेकिन आंद्रे रसल ने अपने दम पर उस मैच को एकतरफा कर दिया था। अगर वो आउट ना हुए होते तो शायद वो मैच जीत जाते। वो था तीसरे नंबर पर, 36 गेंदों पर 88 रन बनाए थे आंद्रे रसल ने, 1 चौका लगाया था बस और 11 छक्के लगाए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मैच कितना धुरंधर अंदाज में खेला होगा, कितना तूफानी अंदाज में आंद्रे रसल ने खेला होगा। केवल 1 चौका और 11 छक्के, मतलब एक तरफा कर दिया था। सीएसके के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की थी आंद्रे रसल ने। 2018 की बात है, हालांकि उस मुकाबले को सीएसके बहुत नजदीकी से जीत गई थी, आंद्रे रसल उस मैच को नहीं जीता पाए थे, लेकिन उनकी ये पारी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। 11 छक्के लगाए थे इस खिलाड़ी ने। आप अंदाजा लगाइए, 36 गेंदों में 12 तो बाउंड्री थी, 36 गेंदों में 12 बाउंड्री थी, 11 छक्का 66 और 4 70 रन, 88 रनों में से 70 रन केवल आंद्रे रसल ने 12 गेंदों पर बना दिए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस मैच में आंद्रे रसल ने कितनी खतरनाक पारी खेली होगी। उसके बाद में चौथी इनिंग का अगर मैं जिक्र करूं तो वो है 40 गेंदों पर 80 रन, ये भी बड़ी धुरंधर पारी थी और सामने मुंबई की टीम थी, मुंबई की गेंदबाजी बड़ी मजबूत थी मेरे भाई। 40 गेंदों पर 80 रन, 6 चौके और 8 छक्के आंद्रे रसल ने लगाए थे मुंबई के खिलाफ 2019 में। केकेआर इस मुकाबले को जीत गई थी। तो यहां पर और बड़ी धुरंधर अंदाज में केकेआर उस मैच को जीती थी। आप लोगों को अगर याद होगा यह मुकाबला भी, तो यह मुकाबला भी आंद्रे रसल ने अपने दम पर, अपनी बल्लेबाजी के दम पर एक तरफा जिता दिया था। तो यह भी आंद्रे रसल की एक बड़ी पारियों में से एक पारी है। उसके बाद में अगर पांचवी पारी की बात करूं तो 31 गेंदों पर 70 रन। यहां आप सबसे बड़ी बात क्या है, आप आंद्रे रसल की इन पारियों का स्ट्राइक रेट नजर डालिए, बस स्ट्राइक रेट पर ध्यान दीजिए, कितने जबरदस्त स्ट्राइक रेट से आंद्रे रसल खेले होंगे। सोचिए 31 गेंदों पर 70 रन, केवल 2 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के, 8 गगनचुंबी छक्के पंजाब के खिलाफ 2022 में ही उन्होंने खेला था। केकेआर ये मैच जीत गई थी। उसके बाद में अगर आखिरी पारी में बताऊं आंद्रे रसल की, जो धुरंधर अंदाज में खेली आंद्रे रसल ने, वो खेली थी छठी पारी, केवल 13 गेंदों में। अंदाजा लगाइएगा, थोड़ा सोचिएगा, इमेजिन करिएगा, केवल 13 गेंदों पर 48 रन बनाए थे, केवल 13 गेंदों पर, मतलब 2 ओवर में 48 रन। कितना धुरंधर अंदाज में, तूफानी अंदाज में खेले होंगे। 1 चौका और 7 छक्के, 7 छिंग 42 और 4 46 रन, 48 में से 46 रन। आप अंदाजा लगाइए, सोचिए, दिमाग पर जोर गेरिए कि 7 छिंग 42 और 4 46 रन, 48 रनों में केवल 46 रन, केवल चौके
छक्कों से आई। सोचिए 48 रन किसी ने बनाए हो और 46 रन केवल चौके छक्के से आए हो। आरसीबी के खिलाफ 2013 में केकेआर के इस मुकाबले को जीत गई थी। तो ये आंद्रे रसल की विस्फोटक पारियां और ये मैच 300 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी इस मैच में आंद्रे रसल ने। यहां पर ये 6 पारियां मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जब आंद्रे रसल का तूफान मैदान पर आया उसके बाद में आंद्रे रसल ने बहुत सारी पारियां खेली हैं जो यादगार हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। आईपीएल के इतिहास में हमेशा वो पारियां याद की जाएंगी। सातवें नंबर की पारी आपकी नजर में कौन सी है? आपको क्या लगता है कौन सी वो पारी होगी जो आंद्रे रसल की सातवें नंबर की सबसे विस्फोटक और यादगार पारी हुई होगी जब केकेआर को आंद्रे रसल ने जिताया या फिर वो पारी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई? कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कि कौन से किस इंसान की पारी सबसे सटीक बैठती है, किस इंसान ने सबसे बेहतर आंद्रे रसल की वो पारी इमेजिन की है। तो सातवें नंबर की पारी बताइएगा कि आंद्रे रसल की सातवें नंबर की सबसे बेस्ट पारी आप लोगों को कौन सी लगती है, कौन सी यादगार पारी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करके बताइएगा आप। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरीके की दिलचस्प आंकड़ों वाली वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।